हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी कौन सी कामना पूरी होने वाली है, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे फ्लेक्सिबिलिटी, हॉस्टिलिटीज, न्यू बिगिनिंग्स, ऑनेस्टी और यू आर गुड इनफ। ओके, पहली चीज तो ग्रुप वन, आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफी लंबे समय से बहुत ही कठिन परिस्थितियां बनी हुई है, बहुत ही टफ सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो दिक्कतें हैं ये लाइफ में ऑलमोस्ट हर ही चीज में आ रही हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे घर परिवार हो, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है हर वक्त। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन परिस्थितियों का सामना करते हुए बस आगे बढ़ते रहें, लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन ऑफकोर्स एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आप थक जाते हैं और आप बिल्कुल टूटने वाले होते हैं और गिव अप करने वाले होते हैं। आपकी सबसे बड़ी विश यही है कि आपकी लाइफ में कब चीजें ठीक होंगी, कब आप चैन की सांस ले पाएंगे, एंड वो चीज फाइनली यहां पर होती हुई दिख रही है विथ न्यू बिगिनिंग्स। आपकी लाइफ में ये जो टफ साइकिल चल रही थी, कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज कुछ महीनों से चली आ रही है, बट हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कई सालों से ये चीज का सामना कर रहे हैं, तो फाइनली आने वाले कुछ ही समय में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और ये जितनी तकलीफों का आप सामना कर रहे थे वो सारी पास्ट में रह जाएंगी। गोइंग फॉरवर्ड ऐसी किसी भी तकलीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आप में से कई सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे जो और भी कुछ विशेष दिख रही है मैं सब बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में वैसे तो सब ठीक है लेकिन करियर में खासा परेशानी आपको हो रही है, और कौन दे रहा है ये परेशानी? आप ही का कोई कॉलीग या आप ही का कोई सीनियर जानबूझकर हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आप ऊपर उठें। आपके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाना या फिर आपके किए हुए काम का खुद क्रेडिट ले जाना या फिर कुछ ऐसा कर देना कि आपकी सैलरी अटक जाए, ये सारी चीजों का आप सामना कर रहे हैं। और अगर लव लाइफ की बात करें तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को खुश नहीं देखना चाहती थी, तो इसीलिए वो जानबूझकर प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर में क्रिएट करने की कोशिश करते थे, आपके कान भरते थे उनके खिलाफ, उनके कान भरते थे आपके खिलाफ, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है बेसिकली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं ग्रुप वन, ये जो भी आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है कि आपकी लाइफ से ये सारी चुनौतियां चली जाएं, वो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है, स्पिरिट की तरफ से एक गिफ्ट है वो विश फुलफिलमेंट। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज इन सारी चुनौतियों के बीच में भी आपने अपने आप को नहीं बदला, आपने अपने ईमान को नहीं बेचा, आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, और ये जो लोग आपको नीचे घसीटने की कोशिश कर रहे थे आप उनके स्तर पर गिर करके आपने कोई हरकत नहीं की, आप पूरे टाइम सच्चे रहे, आपने लगन से काम किया, काम करना बंद नहीं किया, चुनौतियों का सामना किया, डर के आप भागे नहीं, और आपने अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा और आपने स्पिरिट के ऊपर भरोसा रखना भी नहीं छोड़ा, उसी का ये गुड रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। आपकी ये जो ऑनेस्टी है उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं स्पिरिट आपकी ये ख्वाहिश पूरी करके। प्लस स्पिरिट आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए थे, हो सकता है उन सबके बीच में या तो जो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे थे वो लोग या आसपास के लोग आपको बार बार यही सब बातें बोलते रहते हो कि तुम ही में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे ही साथ क्यों ऐसा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं थी, प्रॉब्लम उन लोगों में थी जो आपके लाइफ में ये सब छेड़खानी कर रहे थे।
इसीलिए अपने ऊपर से आपको भरोसा नहीं हटाना है, और एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना है कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई थी, मैंने कौन सा पाप किया था जो ये सब मेरे साथ हुआ। नहीं, सबका लाइफ में टफ फेज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस उन्हीं के सामने आते हैं जिनका स्पिरिट को पता होता है कि इनमें इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है कि ये उनका सामना कर सकें। आपका टेस्ट था, आपने उस टेस्ट को अव्वल नंबरों से पास कर लिया है, अब वो टेस्ट खत्म हो गया, इसलिए अब आपकी लाइफ काफी स्मूथ होने वाली है। और आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 करके ये जितने भी लोग आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे थे या जितने भी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा था, वो सारी एक एक करके आपकी लाइफ से गायब होने वाली हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। Wow, look at this wheel of fortune. Which wish of group one is going to come true? Which wish of group one is going to come true? The hermit. Which wish of group one is going to come true? Six of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ब्यूटिफुल, आपकी ये जो काबिलियत है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो हिम्मत है, आपका जो हौसला है, उसी का ये परिणाम है कि ये टेस्ट अब खत्म हो गया है और ये जो भी आपकी ख्वाहिश थी आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, ईजी हो जाए, वो सारी चीजें अब होने वाली हैं। जो भी शत्रु थे वो सब शांत होने वाले हैं, अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है, सारी चीजें बिल्कुल ईजी होने वाली हैं आपके लिए। काफी सारा धन लाभ आपको होने वाला है, बहुत पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। करियर में जो दिक्कतें चल रही थी वो खत्म होने वाली हैं। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आप नोटिस करेंगे कि अब एक काफी लाभदायक और स्मूथ पीरियड आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि काम की जगह पर स्पेशली अगर कोई और आपका क्रेडिट मार ले जा रहा था, या फिर सैलरी टाइम पे नहीं आ रही थी, या फिर जितना आप मेहनत कर रहे थे उसके हिसाब से आपको आपकी हौसला अफजाई नहीं हो रही थी, या उस हिसाब से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो सारी दिक्कतें भी यहाँ पर खत्म होने वाली हैं। और ये सब सिर्फ किस वजह से हो रहा है? आपकी अपनी हिम्मत के लिए। तो ये जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अब आने वाली है ना ग्रुप वन, आपकी ये जो विश फुलफिलमेंट हो रहा है उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप ही को जाता है। ऑफ कोर्स आप स्पिरिट को थैंक्स बोल सकते हैं कि उन्होंने भी आपकी हिम्मत बिल्कुल बना करके रखी, बट यस आई मीन डेफिनेटली इतनी सब दिक्कतों के बाद भी, और ये भी नहीं कि कोई एक दिक्कत हो, यहां भी परेशानी लगी है, वहां भी परेशानी लगी है, बावजूद उसके आप दूसरी ओर निकल करके आ गए। हैट्स ऑफ टू यू ग्रुप वन। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप नोटिस करेंगे कि सारी दिक्कतें शांत हो रही हैं, कोई भी आपका कुछ और नहीं बिगाड़ पा रहा है, लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, और ये भी नहीं कि सिर्फ पैसों में, हर चीज में, चाहे लव लाइफ हो, सेहत हो, घर वालों के साथ संबंध हो, और कोई आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, नौकरी है, जो कुछ भी है आपकी जिंदगी की हर डिपार्टमेंट में आप नोटिस करेंगे कि अबंडेंस आ रही है, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर के आ रही हैं, खूब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छे पार्टनर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो या तो दूर हो रही, या फिर कोई इतने बढ़िया डॉक्टर पता चल रहे हैं कि वो चुटकियों में आपका इलाज कर देंगे और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली विथ न्यू बिगिनिंग्स और हर्मिट, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अब आप और आपकी ये ख्वाहिश थी कि ये इंसान आपको सामने से मैसेज करें, आपसे बात करें, तो वो चीज भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। ऑल राइट, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, तो हो सकता है ये साइंस आपके चार्ट में कहीं मौजूद हों। ऑल राइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके सारी डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे अबंडेंस, स्ट्रैटेजी, हार्मनी, सर्विस और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऑलराइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे काफी सारी अलग अलग विशेस दिख रही हैं। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स।
सबसे पहली चीज तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, लाभ मिलने वाला है आपको आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, सेहत हो, घर वालों के साथ आपके संबंध हो, हर एक चीज में आप इम्प्रूवमेंट नोटिस करने वाले हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्लान था, खास तौर पर बिजनेस प्लान जिसके ऊपर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा बिजनेस टेक ऑफ कर जाए या फिर मुझे कोई बहुत बढ़िया इन्वेस्टर मिल जाए या मेरा बिजनेस लोग नोटिस करें, मेरे क्लाइंट्स बढ़े, मेरी ग्रोथ हो मेरे बिजनेस की, वो चीज भी यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं और आपकी ख्वाहिश थी कि आपको भी सच्चा प्यार मिले, कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल उस तरीके का हो जैसा आप चाहते हैं, तो वो ख्वाहिश भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे थे या सिचुएशनशिप थी और आप चाह रहे थे कि जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में है वो खत्म हो जाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, तो वो चीज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में है और आपकी ख्वाहिश थी शादी करने की, लेकिन कास्ट या रिलीजन या इन सब चक्करों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या घर वाले नहीं मान रहे थे, तो भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो चीज भी खत्म होते हुए दिख रही है। घर वाले शादी के लिए रजामंदी देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से जो लोग राइटर बनना चाहते हैं और मान लो आपने ऑलरेडी कुछ लिख करके प्रिपेयर कर रखा है और आपको कोई अच्छा पब्लिशर या एजेंट नहीं मिल रहा है और आपकी ख्वाहिश है कि आपकी बुक छप जाए और काफी बिके, काफी प्रचलित हो, तो वो चीज भी यहाँ पर, वो विश भी यहाँ पर आपकी पूरी होती ही दिख रही है। आप में से जो लोग मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या नर्स बनना चाहते हैं, या फिर एक डिग्री आप ऑलरेडी ले चुके हैं, चाह रहे हैं कि अगली डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए आपको पढ़ाई करने के लिए, तो वो तमाम ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। सो वाओ, काफी अलग अलग विशेष यहाँ पर निकल करके आई हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख रही है, ग्रुप टू, ये मुझे ग्रुप वन में भी दिखा था कि क्यों ये ख्वाहिश पूरी हो रही है आपकी, एंड लाइकवाइज ग्रुप टू आपके लिए भी यहाँ पर एक रीजन भी स्पिरिट ने दिया है कि आपकी ये जो भी तमाम ख्वाहिशें हैं या जिसकी जो सी भी ख्वाहिश हो वो क्यों पूरी हो रही है। इसीलिए बिकॉज पहली चीज तो आप बहुत ज्यादा दरिया दिल हैं, आप जब भी किसी की मदद करते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, आपसे जिसके लिए जितना जो बन पड़ता है आप करते हैं, आपसे किसी का दुख, किसी की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, चाहे वो सामने से आपसे मदद मांग भी क्यों ना रहा हो, अगर आपको पता है, अगर आप उसकी शक्ल से दिख रहा है, उसके हाव भाव से दिख रहा है कि ये परेशानी में है, तो चाहे वो आपसे मदद मांगे या ना मांगे, आप अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है करते हैं, आप बहुत चैरिटीज करते हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ऑर्फिनेजेस में जाते हो, अनाथ आश्रम में जाते हो या वृद्धाश्रम में जाते हो, ओल्ड एज होम में जाते हो, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, जब सर्दियां आती हैं तो आप कंबल बांटते हो, आप दवाइयां बांटते हो, जो भी आपके तरीके हो लोगों की मदद करने के लिए, किसी भी गरीब से आप कभी भी पैसों के लिए बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं करते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि हाँ वो डिजर्व करते हैं तो आप दे देते हैं उनको इतने पैसे, तो ये जो आपकी अच्छाई है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और क्योंकि आप खुद इतने अच्छे हैं इसीलिए आपकी ये विश पूरी होने वाली है। और यहां पर ये भी नजर आ रहा है कि स्पेशली आप में से वो लोग जो किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे थे या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो भी यहां पर नजर आ रहा है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आपने तो कुछ किया भी ना हो, किसी भी और एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में दिक्कतें आ गई हों और आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ी कि आप दोनों फिर से एक होंगे, एंड अब फाइनली आपकी वो जो विश थी वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। आपको बहुत नेम और फेम भी मिलने वाला है, वो भी आई जस्ट हर्ड दैट। तो आप जिस भी करियर में है स्पेसिफिकली, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी वो कम्युनिटी हो, या फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ख्याति प्राप्त होते हुए दिख रही है उसमें, बहुत ही नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ग्रुप टू आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद किसी ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही प्रख्यात है, आपकी फैमिली में बहुत ही फेमस लोग हैं, या फिर आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां हर कोई आपके परिवार को जानता है, जिस भी जगह पर आप रहते हैं हर कोई आपके परिवार को जानता है, या फिर आपके परिवार में मान लो कुछ बहुत ही ऐसे लोग हैं, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे अपने जमाने में,
आज की डेट तक आपको लोग उनके नाम से जानते हैं कि अच्छा ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बेटी, अच्छा ये तो उस फैमिली के, अच्छा अरे पता है ये लोग तो वहां रहते हैं, हाँ इनके बारे में तो पता है टाइप्स। बट ग्रुप टू आपका क्या था कि आपकी इच्छा थी कि आप अपना खुद का नाम बनाएं, आप अपनी खुद की एक अलग पहचान क्रिएट करें, लोग आपको दूसरे के नाम से ना जाने, आपको आपके काम से आपके नाम से जाना जाए। तो वो चीज भी यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। अमेजिंग। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और आप चाह रहे थे कि भाई कब तक आखिर ये लड़ाई झगड़ा चलेगा, कब चीजें नॉर्मल होंगी, तो वो चीज भी खत्म होती हुई दिख रही है। जिस किसी के भी साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो खत्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगर पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, खर्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी, तो वो दिक्कत भी खत्म होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। डेफिनेटली विथ हार्मनी एंड टू ऑफ कप्स, जो लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, लव लाइफ से संबंधित आपकी जो भी ख्वाहिशें थी, सिंगल थे तो एक अच्छा पार्टनर चाहिए था, शादी फिक्स नहीं हो रही है तो शादी पक्की हो जाए किसी से, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, किसी के साथ अनबन चल रही है तो वो क्लियर आउट हो जाए, तो वो सब भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप टू स्पेसिफिकली आपके लिए कि ये जो भी जितनी भी विशेज मैंने बताई हैं अलग अलग, आप लोग बहुत टाइम से एक्चुअली वेट कर रहे हो कि ये विश कब पूरी होगी। बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर हड़बड़ाहट थी, लेकिन ना एक उत्सुकता थी, ये कह सकते हैं कि कब होगा। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज पता चला कि पहुंच जा रहे हैं किसी के पास पूछने के लिए कि ये देख के बता दो कब होगा, वो देख के बता दो कब होगा, नहीं। लेकिन हाँ, कुछ दिन ऐसे आते थे आपकी लाइफ में जब आप अकेले होते थे या जब आप सोचते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। सो डोंट वरी, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आपने बहुत लंबा वेट किया है, बट फाइनली आपकी ये विश पूरी जरूर हो जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विदेश जाना चाहते हैं, चाहे घूमने के लिए जाना चाहते हो या पढ़ाई करने के लिए या नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हो, या तो आपको किसी अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर पैसों की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये भी मुमकिन है कि वीजा या पासपोर्ट के कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर पूरी लाइक खत्म होते हुए दिख रही है। बिकॉज आपकी ख्वाहिश होगी कि मुझे जाने को मिल जाए बाहर, राइट, तो वो ख्वाहिश भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है आपकी। इनफैक्ट जिन लोगों की ख्वाहिश बाहर जाने की है, यहाँ पर दिख रहा है कि आप सेटल भी हो सकते हैं वहां पर, वहीं पर आपको कोई मिल सकता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आकर के वहीं पर आप घर बसा सकते हैं और वहीं पर आपकी अच्छी खासी लाइफ फिर कंटिन्यू होती हुई चलती हुई दिख रही है। अगर आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनकी विश थी कि आपका काम थोड़ा और बढ़े, स्पेशली अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप चाह रहे थे कि वो काम और बढ़े, आप थोड़ा और प्रचलित हो उन सर्कल्स में कि नो ये बहुत अच्छा ये वाला काम करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है होती हुई। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप टू, आप में से वो लोग जिन्होंने किसी को कोई बहुत बड़ा रकम उधार दी थी और वो इंसान बार 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 आपको बोल रहा था कि हाँ लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं लौटाया था और आपको पैसों की जरूरत है और आपको अच्छा नहीं लग रहा था अपने मुंह से बार 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 उनसे पैसे मांगना, और आप विश कर रहे थे कि भाई कब इनको थोड़ी खुद से होगा एहसास कि किसी के इतने सारे पैसे लेकर के बैठे हुए, कब मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे, तो वो आपके पैसे भी आपको रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये साइंस आपके चार्ट में कहीं मौजूद हो ग्रुप टू। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे सिक्योरिटी, स्टॉर्म वार्निंग,
प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मिस्ट्री और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. लवली. ओके, सो ग्रुप थ्री मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. पता चला अच्छा खासा कोई नया काम चालू किया, एकदम से कुछ हो गया कि काम ठप पड़ गया, या लास्ट मोमेंट पे इन्वेस्टर ने पैसा डालने से मना कर दिया, या लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट ने बोला कि नहीं नहीं करवाना है काम, रिफंड कर दो पैसे, या फिर पता चला बड़े उत्साह से कोई नई नौकरी चालू की तो वहां जाकर के मालूम पड़ रहा है कि हाँ तो भाई सैलरी की बहुत दिक्कत है, सैलरी नहीं आ रही है, ये सब चीजें. या फिर अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है किसी के साथ, एकदम से वो बंदा आपको डिच कर दे, डंप कर दे. कहीं शादी फिक्स हो गई है और पता चला सगाई से थोड़ा पहले वो लोग तोड़ दें शादी. तो कुछ स्मूथली नहीं हो रहा है लाइफ में, काम शुरू तो होता है लेकिन अंजाम तक पहुंच नहीं पाता है, एकदम से दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी परेशानियां जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये कैसे एकदम से हो गया, उस तरीके की चीजें. और ये सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं लगा हुआ है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, करियर हो, लव लाइफ हो, हर चीज में. पता चला बहुत ज्यादा तैयारी करके कोई सरकारी एग्जाम देने के लिए गए थे, पेपर लीक हो गया तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, इस तरीके की चीजें. तो आपकी ख्वाहिश ये थी ग्रुप थ्री कि आपकी लाइफ में ये जो अचानक अचानक से तूफान आ जाते हैं ये कब थमेंगे. वो जो एक सुकून होता है, जो एक सिक्योरिटी होती है, जो यकीन होता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये काम, ये शुभ काम स्टार्ट हुआ है वो अच्छा ही चलेगा, वो वाली फीलिंग आपको कब आएगी, वो हिम्मत आपको कब मिल पाएगी. और ये जो आपकी विश थी वो अब पूरी होते हुए नजर आ रही है. ये जो आपकी जिंदगी में अचानक अचानक से तूफान आ रहे थे ये फाइनली थमते हुए नजर आ रहे हैं. एक एक्स्ट्रा मैसेज यहां पर मिल रहा है आप में से कुछ लोगों को. बहुत जल्दी आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. कुछ लोगों को काम की जगह पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो शायद आपके लिए बड़ी नई हो, बड़ी नायाब सी हो, लेकिन उसको जरूर एक्सप्लोर करिएगा बिकॉज उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. हो सकता है कि वो रोल ऐसा हो जो पहले आपने कभी किया ना हो, या फिर वो कंपनी आपको एक ऐसी जगह पर आकर रहने के लिए बोल रही हो जो आपकी जानी पहचानी ना हो. लेकिन वो रिस्क अगर आप लेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा. ये भी हो सकता है कि कोई इंसान, अगर आप सिंगल हैं तो कोई इंसान बड़े ही आकस्मिक ढंग से आपकी लाइफ में आ जाए और आप में इंटरेस्ट भी शो करे और आपको लगेगा कि ये कहाँ से प्रकट हो गया. बट वो जो प्रकट हुए हैं वो आप ही के भले के लिए प्रकट हुए हैं बिकॉज ये इंसान में काबिलियत होगी आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की. इसीलिए आने वाले कुछ समय में अगर आपकी लाइफ में अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको एकदम से मना नहीं करना है. एंड जस्ट लाइक एवरी ग्रुप जो इससे पहले निकला है, आपके ग्रुप में भी स्पिरिट आपको वो कारण भी बता रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश क्यों पूरी होने वाली है. ऐसा इसलिए है बिकॉज आपने इतनी दिक्कतों के बाद भी हमेशा वापस उठ खड़े हुए और वापस से आप चलने लगे, और आपने कभी भी ये उम्मीद अपने दिल में कहीं ना कहीं बरकरार रखी थी कि ये चीज हमेशा के लिए नहीं चलेगी मेरे साथ. एंड अब उसी का रिवॉर्ड आपको इस विश फुलफिलमेंट के रूप में मिलता हुआ दिख रहा है. आप में से जो लोग अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं और आपकी नौकरी छिन गई थी किसी भी रीजन से, पैसों की दिक्कत घर में चल रही थी और आपकी ख्वाहिश थी कि आपको कोई नई नौकरी मिले, और वो भी ऐसा नहीं कि बस काम चलाने के लिए नौकरी मिल जाए, ऐसी नौकरी जिसमें फिर आप लंबे समय तक टिक करके कमा सके और आपकी ग्रोथ हो सके, प्रमोशन हो सके, पैसा बढ़ सके, तो उस तरीके की नौकरी फाइनली आपको मिलती हुई दिख रही है. आप में से जो लोग सिंगल थे और वेट कर रहे थे प्रॉपर कमिटमेंट का, शादी फिक्स होने का, वो चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रुप थ्री जो इस वक्त किसी बहुत ही टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, और आपकी विश थी कि आपको कोई रीजन मिल सके या कोई तरीका मिल सके जिससे कि आप अपना पिंड छुटा सकें इस इंसान से, तो वो ख्वाहिश भी फाइनली पूरी होते हुए नजर आ रही है. ये जो कोई भी इंसान है, हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्से वाले हों, बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, हर वक्त की, हर पल की खबर उन्हें चाहिए रहती हो आपकी, तो ये जो कोई भी है महाशय, उनसे आप फाइनली अलग होते हुए दिख रहे हैं और ये आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे. ओके, वाओ. सो
ग्रुप थ्री आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, चाहे करियर से संबंधित किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो, या आपकी कोई फोटोज हो उनके पास, या ये कोई आपका एक्स लवर हो, जो भी इंसान इस वक्त आपको ब्लैकमेल करके आपके रातों की नींद खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका जो भी दुश्मन है, जो ब्लैकमेलर है, वो भी शांत होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विच इज नाइस। एक और चीज यहाँ पर दिख रही है, एक और विश, आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी कभी टिकती नहीं है, लग तो जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है, पता चला महीना भर भी नहीं हुआ कि छूट गई, तो जॉब सिक्योरिटी आप लोगों को मिलते हुए दिख रही है, फाइनली आपको ऐसी नौकरी मिलने वाली है जहां पर आप लंबे समय तक टिक करके काम कर पाएंगे। और आप में से जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस है कोई आपका, और उसमें हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी तो बहुत बिजनेस आ रहा है, बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं, और कभी पता चला बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई क्लाइंट नहीं नजर आ रहा है, तो वो समस्या भी खत्म होती नजर आ रही है। आप लोग एक फिक्स्ड लेवल को रीच करने वाले हैं कि हर महीने इतना तो आना ही आना है, इतना बिजनेस तो आएगा ही आएगा, तो वो जो स्टेबिलिटी है जो आप चाह रहे थे, जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे थे कि भैया इतने सरप्राइजेस नहीं चाहिए हमको, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो वो भी आते हुए दिख रही है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, ग्रुप थ्री। Eight of Cups in reverse. Which version of Group 3 is going to get fulfilled? The High Priestess. Which version of Group 3 is going to get fulfilled? Strength. Or bottom of the deck here, the Hangman. आप में से जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आप जहां हैं आप वहीं अटके हुए हैं, बाकी सब लोग तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर ले गए हैं, आपने भी उन्हीं लोगों के साथ उसी कंपनी में शुरुआत की थी, उनके तो प्रमोशंस हो रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, तो वो जो आपकी विश थी कि आपके भी काम की सराहना की जाए, आपको भी ग्रोथ मिले, वो विश यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आ रही है। अगेन ये मैसेज यहाँ पर रिपीट हुआ है कि आप में से जो लोग किसी अब्यूजिव या टॉक्सिक कनेक्शन में है, उस इंसान से आप अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, तो वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप लोगों का इंट्यूशन आने वाले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए अपनी गट फीलिंग का जरूर जरूर भरोसा करिएगा कोई भी डिसीजन लेते वक्त। अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप कम्युनिकेशन की ख्वाहिश रख रहे थे, तो वो चीज भी यहाँ पर पूरी होती दिख रही है, शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। वो जो भी प्रॉब्लम है जिससे आपको लग रहा था कि आप कब बाहर निकलेंगे बेसिकली, और अलग अलग लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है सेहत से संबंधित कोई चीज़ हो, पता चला कि ये रोग ये बीमारी लगे हुआ है, दवाई लेते हैं तो चला जाता है, दवाई बंद करते हैं तो फिर चालू हो जाती है वो दिक्कत, तो और आपकी ख्वाहिश थी कि आप कब फुली स्वस्थ हो पाएंगे, तो वो विश भी यहाँ पर आपकी पूरी होते हुए फाइनली नजर आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में आपको छोड़ करके चला गया था किसी भी रीजन से, और आपकी ख्वाहिश थी कि वो आपकी लाइफ में वापस लौट करके आ जाए, तो वो चीज भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। कोई ऐसा इंसान जो कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट समय पर आपको बीच मझधार में छोड़ करके चला गया था, कोई आपका बिजनेस पार्टनर या इस तरीके का कोई, तो वो इंसान की भी आपकी लाइफ में वापसी होते हुए दिख रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास के लोग आपको ना, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ भी बोल करके निकल सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी पलट के जवाब देंगे नहीं, विच इज नॉट राइट। फाइनली आपके अंदर वो हिम्मत आने वाली है कि आप पलट करके उनको ऐसा जवाब दें कि वो फिर भूले से भी आपसे तो एटलीस्ट पंगे ना ही लें। तो आप, अगर आपकी ये विश थी कि जो लोग आपको ये तंग करते रहते हैं फालतू का, कब आप उनके ऊपर विजय हासिल कर पाएंगे, कब वो लोग आपको परेशान करना बंद करेंगे, तो आप ही की वजह से, आप ही की वाणी की वजह से, आप ही के करेज को, आप ही के कॉन्फिडेंस को देखते हुए वो लोग फिर बिल्कुल दूर हट जाएंगे आपसे, और ये चीज इंटरनली आएगी, आपका कॉन्फिडेंस आप खुद नोटिस करेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो साइंस यहां निकल के आए हैं वो है लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है ये साइंस आपके चार्ट में कहीं मौजूद हो ग्रुप थ्री। सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके तमाम डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।